रांची टेस्ट के पहली पारी में भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 73 ओवर में 219 रन पर 7 विकेट खो दिए थे। सबसे पहले कप्तान बेन स्टोक ने रोहित शर्मा को चालाकी से आउट करवा दिया। दरअसल बेन स्टोक ने जेम्स एंडरसन के तीसरे ओवर की चौथी गेंद से पहले स्क्वायर लेग पर एक्स्ट्रा फिल्टर रखा। ऐसे में रोहित शर्मा को लगा कि एंडरसन की अगली गेंद मिडिल एंड लेग स्टंप पर होगी, जबकि जेम्स एंडरसन ने यह गेंद आउटसाइड ऑफ फील्ड पर डिलीवरी रखी। गेंद ने अपनी लाइन होल्ड की और ड्राइव करने के प्रयास में रोहित शर्मा पैर बिल्कुल नहीं चले, बल्ले का महीना किनारा लगा और विकेट कीपर के हाथों रोहित शर्मा का कैच चला गया। इंग्लैंड को परफेक्ट स्टार्ट मिला और रोहित शर्मा 9 गेंद पर 2 रन बनाकर चलते बने। भारत को 4 पर पहला झटका लग गया था। एसएसवी जायसवाल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 129 गेंदों पर 82 रन जोड़े। सोई वसीर के 25वें ओवर की पहली फ्लाइट गेंद पर शुभमन गिल डिफेंड करते हुए गलत लाइन खेल पाए और गेंद इनसाइड एज पर बीट करते हुए पैड्स पर जा टकराई। अंपायर कॉल की वजह से शुभमन गिल 65 गेंद पर 6 चौके के साथ एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए। रजत पाटीदार का फ्लॉप शो जारी रहा। सोई वसीर ने 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर वह भी लेग बिफोर द विकेट करार दिए गए। 35वें ओवर की तीसरी गेंद शार्प टर्न के साथ अंदर आई। रजत पाटीदार के इनसाइड एज पर बीट करते हुए पैड्स पर जा लगी, वह बैकफुट ब्लॉक करने में नाकाम रहे, इनफैक्ट मिडिल एंड लेग स्टंप पर था। रजत पाटीदार की अंपायर कॉल का शिकार फिर से हो गई। रजत पाटीदार ने 42 गेंदों पर 4 चौकों के साथ बनाए 17 और भारत का स्कोर पहुंचा 112 पर 3। सोएब वसीर ने रविंद्र जडेजा को चलता कर अपने नाम तीसरी सफलता हासिल कर ली। 37वें ओवर की 5वीं गेंद टॉप स्पिनर थी, जिस पर वसीर को एक्स्ट्रा बाउंस मिला। रविंद्र जडेजा के बल्ले से लगकर इनसाइड एज पैड्स पर लगा और फिर फॉरवर्ड शॉर्ट लेग फील्ड ओली पॉप के लिए सिंपल कैच बन गया। जडेजा 12 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 12 रन बना सके। भारत को 130 पर चौथा झटका लग गया। भारतीय बल्लेबाजों की लापरवाही और सोएब वसीर का सटीक टप्पा दोनों भारत को काफ़ी भारी पड़ा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत टॉप ऑर्डर को फ्लॉप शो की प्रमुख वजह क्या रही। और ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।